उमर बिन अब्दुल अजीज जिस तख्त पर बैठे उस पर सुलेमान था, उस पर वलीद था, उस पर अब्दुल मलिक था। इन तीनों ने अपने मन को राजी किया, उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने रब को राजी किया। जब उमर बिन अब्दुल अजीज का वक्त आया मरने का तो उन्होंने बुलाया रजा बिन हैवा से, फरमाया कि मैंने अब्दुल मलिक बिन मरवान, चाचा भी थे सुसर भी थे, इनकी बेटी फातिमा से शादी हुई थी, मैंने उसको कब्र में उतारा, कफन की गिरा खोल के देखा तो उसका चेहरा किबले से हट चुका था, रंग काला स्याह पड़ चुका था। अब्दुल मलिक बिन मरवान गोरा चिट्टा था, ये जगह सुर्ख काला। फिर मैंने वलीद को कब्र में उतारा, उसका बेटा 10 साल हुकूमत की, इसने 21 साल हुकूमत की, इसने 10 साल की, वलीद बिन अब्दुल मलिक, मैंने उसके कफन की गिरा को खोल के देखा तो उसका रंग स्याह हो चुका था और किबला की तरफ से चेहरा फिर चुका था। फिर उस सुलेमान का वाकया तो अभी सुनाया, फिर उस सुलेमान को कब्र में उतारा और उसके कफन की गिरा को खोल के देखा तो उसका चेहरा किबले से हट चुका था। अब मैं जा रहा हूं, मुझे देखना। पहले तीनों ने हुकूमत की पूजा की और उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने अल्लाह की पूजा की। उन्होंने एक बड़ा अजीब खुतबा दिया जब खलीफा बने। ए लोगों, बचपन में शेर व शायरी का शौक था तो मैं शायर बना, थोड़ा सा उठान हुई तो इल्म का शौक लगा, मैंने इल्म हासिल किया, जवान हुआ तो फातिमा बिनत अब्दुल मलिक से इश्क हुआ, मैंने उससे शादी की, अब अल्लाह ने मुझे हुकूमत दे दी है, अब तुम देखोगे मैं इससे अपने अल्लाह को राजी करूंगा। हमारे हुक्मरान तो वोट से आते हैं और चले जाते हैं 4-5 साल के बाद, उनकी विरासत में हुकूमत आ रही है और 3 बर्र-ए-आज़म पर हुकूमत है और ऐसा रोब दबदबा है बनू उमैया का, कोई उनके सामने सर नहीं उठा सकता। और ये बंदा 2 साल 2 महीने 3 बर्र-ए-आज़म में ज़कात लेने वाला कोई ना बचा, 3 बर्र-ए-आज़म में सवाल करने वाला कोई ना बचा, 3 बर्र-ए-आज़म में जालिम कोई ना बचा, 3 बर्र-ए-आज़म में मजलूम कोई ना बचा। लेकिन खुद कैसा रहा, घर आए, फातिमा बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं, अब इम्तिहान है, मैं तेरा हक नहीं अदा कर सकूंगा, तलाक लेनी है मैं हाजिर हूं, साथ देना है तो मेरे अपने हक माफ करो, अपने हक माफ करो। फातिमा जैसी औरत इंसानी तारीख में कोई नहीं आई, सियासी लिहाज से, सियासी दादा मरवान बादशाह, बाप अब्दुल मलिक बादशाह, भाई वलीद बादशाह, दूसरा भाई सुलेमान बादशाह, तीसरा भाई हिशाम बादशाह, चौथा भाई यजीद बादशाह और अपना खामिंद बादशाह, 7 नस्बतों से ये औरत शाहजादी है। कायनात इंसानी तारीख में इतनी बड़ी औरत कोई नहीं आई, सियासी सियासी। फातिमा कहने लगी, उमर मैंने सुख के दिन तेरे साथ गुजारे हैं, दुख में तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, जाओ मैंने अपने सारे हक माफ किए। फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की रातें और दिन कैसे गुजरे, फातिमा बिनत अब्दुल मलिक फरमाती हैं 2 साल 2 महीने में वो मेरे बिस्तर पर मेरे साथ नहीं लेटे, उन्हें गुसल की जरूरत नहीं पेश आई, मुसल्ले पे बैठते और रोते 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 वहीं सो जाते और रोते रोते वहीं से उठते। पर 3 बर्र-ए-आज़म में जालिम कोई ना बचा, मजलूम कोई ना बचा, जकात लेने वाला कोई ना बचा, भिखारी भीख मांगने वाला कोई ना बचा, 3 बर्र-ए-आज़म को ऐसे साफ कर दिया। ये फैसलाबाद भी उनकी हुकूमत में शामिल था, चूंकि मुल्तान वो बंबई तक और मुल्तान दीपालपुर तक, ये सारा इलाका मुल्तान में आता है और मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान फतह किया वलीद के जमाने में। अपनी हुकूमत को अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया, सारे माल फातिमा का सारा जेवर बैतुल माल में डाल दिया, तनख्वाह पे आ गए, ईद का मौका आया, बच्चों ने मां से कहा, 12 बच्चे थे बच्चियां हमें कपड़े लेकर दो, ईद आ रही है, हर आदमी अपने बच्चों के लिए कपड़े ले रहा है, हमारे बच्चे भी कह रहे हैं कपड़े ले जाओ भाई लो। फातिमा के पास उमर 3 बर्र-ए-आज़म के बादशाह के बच्चे आ रहे हैं, मां जी ईद आ रही, कपड़े तो ले दें अब्बा से कहें।
कि अब्बा से बात करती हूँ। अब्बा तशरीफ लाए, खजाने लबालब भरे हुए गंदम के ढेर की तरह, कि अमीरुल मोमिनीन बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। फातिमा, मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कहां से कपड़े लेकर दूं, मेरे पास तो पैसे कोई नहीं। हज़रत फातिमा ने कहा, फिर बच्चों का क्या करूं? कहा, फिर मुझे भी नहीं पता क्या करूं। इसके पहले तीन हुक्मरानों ने लूट मार के बाजार गरम किए, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। आज उसी खजाने पे एक शख्स बैठा है जो अल्लाह को राजी करके करने के झंडे गाड़ रहा है। तो फातिमा ने कहा, आप ऐसा करें, अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, उससे मैं अपने बच्चों को कपड़े ले देती हूं और घर का खर्चा मैं मजदूरी करके घर की रोटी चला लूंगी। अरे अपनी तारीफ पढ़ो, सिर्फ ड्रामे ही ना देखते रह जाओ, सिर्फ गाने ही ना सुनते रह जाओ। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। उन्होंने अपने बुलाया वजीर खजाना मुजाहिम, अपने गुलाम। हाँ भाई मुजाहिम, हमें बच्चों के कपड़े चाहिए, तो अगले महीने की तनख्वाह एडवांस मिल जाए। वो कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन आप मुझे लिख कर दे दें कि आप एक महीना जिंदा रहेंगे, मैं आपको तनख्वाह दे देता हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज सर झुकाया, उठे, घर गए। फातिमा, मेरे बच्चों से कह दो कि तुम्हारा बाप कपड़े लेके नहीं दे सकता, अपनी तारीख तो देखो। ईद का दिन आ गया, खलीफा वक्त ईद की नमाज पढ़ाते थे, नमाजें भी खलीफा वक्त पढ़ाते थे। बनू उमैया का खानदान मिलने के लिए आ रहा है, सारे सरदार, सरदारों के बेटे, आला पोशाक आला लिबास मिलने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखा तो बच्चे भी मिलने आ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से बच्चे बाप को मिलने आ रहे हैं और उनके जिस्मों पर पुराना लिबास है। हज़रत उमर उन्हें देखकर इधर अपने सरदारों के बच्चे देखे तो जर्क बर्क पोशाकें, अपने बच्चों को देखा, अरे उस बाप से पूछो जो सब कुछ कर सकता हो और फिर मुट्ठी बंद कर ले कि नहीं मैंने हराम की तरफ नहीं जाना। बच्चों को देखा तो आंखें डब डबा गईं, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, मेरे बच्चों आज तुम्हें अपने बाप से गिला तो होगा कि आज हमारे बाप ने कपड़े ही ना लेके दिए। उनके एक बेटे हैं अब्दुल मलिक, उनसे भी चार रात आ गए थे, उनसे पहले ही फौत हो गए थे। कहने लगे, अब्बा जा आपको मुबारक, आपने कौमी खजाने में बदयानती नहीं की है, आपको मुबारक हो, आज हमारा सर बुलंद है, हम शर्मिंदा नहीं है, हम शर्मिंदा नहीं है। इंसानों को कपड़ों पे नहीं तोला जाता। आज का मेरा देश कमालदार इतना फकीर हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि वो अपना तारुफ करवाने के लिए 50 लाख की घड़ी लेता है, 6 लाख का जूता लेता है। आज की बेगम इतनी छोटी हो गई है कि अपने आप के अपने कद को बड़ा करने के लिए वो 10 लाख का हैंड बैग लेती है कि देखो मेरा बैग 10 लाख का है। अरे मेरी बहन, तू 10 टके की भी नहीं रही अगर तूने बैग से अपने आप को बड़ा बनाया। ओ मेरे दोस्त, तू 2 टके का नहीं है अगर तू 10 लाख के जूते और 50 लाख की गाड़ी से, 50 लाख की घड़ी से अगर तू बड़ा बनना चाहता है। अरे इस धोखे से निकलो, निकलो। ब्रांडेड 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 कहां जा रहे हो जब तुम अपनी जात में बेकीमत हो,
तो रब जुल जलाल की कसम, तुम्हारी घड़ियां, तुम्हारे बैग, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे बंगले तुम्हारी इज्जत को बढ़ा नहीं सकते। अब्बा जान, आज हमारा सौदा ऐसे सिर आ गया, सानू आज साड़ी ईद हो गई कि साढ़े अब्बे आज ख्यानत नहीं की थी। आज हम खुशी से बुलंद हैं कि हमारे बाप ने बद्यांती नहीं की। घर में तशरीफ लाए, कहने लगे फातिमा कुछ पैसे हैं, मेरा अंगूर खाने को जी चाह रहा। उस फातिमा रोने लगी, फरमाया अमीरुल मोमिनीन खजाना तो भरा पड़ा है, एक दिरम का भी तेरा हक नहीं है कि तू एक दिरम लेके अंगूर खरीद ले। तो थोड़ा पुठे, फातिमा मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त कर सकता। ओ मेरे भाइयों, जो दिन रात सूद में फंस चुके हो, जो दिन रात जुए शराब में फंस चुके हो, कैसे अल्लाह के सामने सुरखरू होकर खड़े होंगे? फातिमा मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त कर सकता। नहीं नहीं, एक रात घर में तशरीफ लाए, बच्चियां बेटियां मुंह पे हाथ कपड़ा रखा, दुपट्टा रखा मुंह पे, और बात करें, आपने पूछा अरे क्या हुआ तुम्हें, ये मुंह पे कपड़ा क्यों रखते हो? तू तो खामोश हो गई, लेकिन घर की खादमा रो पड़ी, कहा अमीरुल मोमिनीन आज आपकी बेटियों ने कच्चा प्याज तोड़ के उससे रोटी खाई। सालन कोई, अरे मसरी दी दाल ही कोई नहीं है, प्याज कच्चे प्याज ना रोटी आ, साडा मजदूर जड़ा कोई ना कोई चटनी बना बंद है, त्राए बर्रे आजम दे बादशाह दियां धियां आहा कच्चे वसला ना रोटी बैठियां खांदियां। और मेरे आज का ताजर कहता है झूठ ना बोलूं तो कारोबार कैसे, मेरा अफसर कहता है रिश्वत ना लूं तो गुजारा कैसे कर। तो उमर बिन अब्दुल अजीज फिस पे हिचकियों के साथ रोए, कहा मेरी बच्चियों मैं तुम्हें बड़े अच्छे खाने खिला सकता हूं, पर मैं जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाइयो, उस बंदे ने अपने आप को ज़बह कर दी, अल्लाह को राजी करने के लिए ज़बह कर दी, अपने जात को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को। जब गवर्नर होते थे ना, तो हजरत फातिमा की एक बांदी थी, उनसे उन्हें इश्क हो गया, तो अपनी बेगम से कहते ये बांदी मुझे गिफ्ट कर दो, वो कहती मैं नहीं करती। जब ये खलीफा बने, कई दफा उनसे कहते मुझे हदिया कर दो, मुझे दे दो, वो कहती मैं नहीं देती, मैं नहीं देती। जब ये खलीफा बने तो इनकी बेगम ने उस बांदी को नहलाया, खूबसूरत जेवरात से सजाया, आलीशान मेकअप किया, और उसका हाथ पकड़ के लाई, अमीरुल मोमिनीन ये आपकी खिदमत में गिफ्ट है। आए, आए, आए। उसको यूं देखा, फरमाया कहां से आई थी? कहा जी अब्दुल मलिक ने कूफे से मुझे जबरदस्ती उठवाया था। तो दो आदमी बुलाए, कह जाओ इसे इसके मालिक के पास वापस भेज दो। वो कहने लगी ऐन वजदुका अलैया या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन आपका इश्क कहां गया जो मेरे साथ था? तो उमर की आंखें भर आईं, कहा वो पहले से भी ज्यादा है, लेकिन तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान करता, मैं अपने इश्क को अल्लाह के लिए कुर्बान करता। अब अल्लाह ने सिला क्या दिया, जब इंतकाल हुआ होने लगा तो बुलाया रजा को, जो मैं बात पहले छोड़ के इधर उधर उनकी थोड़ी सीरत बताई कि रजा अब मैं मरने लगा हूं, अब्दुल मलिक काला हो गया था, वलीद काला हो गया था, सुलेमान काला हो गया था, ये क्यों काले हुए थे? ये बेनमाजी नहीं थे, बदकारी नहीं करते थे, किसी की तरफ इनकी मैली आंख नहीं उठी कभी,
ये जालिम थे, जालिम जालिम, इंसानों का खून पिया, माल में खयानत की, इस पर अल्लाह ने चेहरे फेर दिए। आज उमर बिन अब्दुल अजीज जा रहा है, कहते को मैं जा रहा हूं, मुझे देखो मेरे साथ क्या होता है। इनका इंतकाल हुआ, इनकी मैयत कब्र के किनारे रखी गई और अब नीचे उतारना है। सुलेमान की मैयत को उतारने लगे तो हिलने लगा और अजाब कब्र पहले शुरू हो गया। उमर की मैयत को जब कब्र के करीब किया गया, ऐसे हवा का झोंका आया, एक पर्चा ऐसे लहराता हुआ यूं आया, यूं आया, यूं आया और उमर के सीने पर गिर गया। लोग कठे हो गए, पर्चे को खोल के देखा गया तो उस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बराअतुम मिन अल्लाह लउमर इब्न अब्दुल अजीज मिन अन्नार, ये परवाना है अल्लाह की तरफ से उसके बंदे उमर के लिए कि उसे जहन्नम से नजात की खुशखबरी सुना दी जाए। आहा, मरना हो तो यूं मरो, अल्लाह ऐसी मौत दे दे। कहते हैं फिर मैंने उनको कब्र में उतारा, जब कब्र में उतारा तो क्या देखा, मैंने कफन की गिरा खोली तो चेहरा किबले की तरफ फिट और यूं लगा जैसे 14वीं रात का चांद कब्र में उतर आया हो। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों बहनों, अपने अल्लाह से सुलह कर लो, अपने अल्लाह से सुलह कर लो, उसके महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। एक शख्स पूछता है कि क्या कोई आपसे भी ज़्यादा इल्म वाला है, तो उसके दो जवाब मुझे याद पड़ते हैं। एक में कि ला अदरी, मुझे नहीं पता, और एक में याद पड़ता है कि आपने कहा नहीं। दोनों में से जो भी बात है अल्लाह को पसंद नहीं आई, इतने बड़े रसूल की ज़बान से। और यहाँ मूसा अलैहि सलाम का जवाब पसंद नहीं आएगा, मूसा एक मेरा बंदा है जिसके पास वो इल्म है जो तेरे पास नहीं है। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा चलो ठीक है, होगा कोई, मेरे ऊपर तो तौरात उतर चुकी है, मैं साहिब शरीयत रसूल हूँ, मुझे क्या ज़रूरत। इल्म की तलब ऐसी चीज़ है कि या अल्लाह वो कहाँ है, मैंने उससे वो सीखना है। अब मकाम है मूसा, देखो मूसा रसूल, हारून नबी, यूशा नबी, यूँ घिरे हुए हैं नबूवत में, और फिर कह रहा है मैंने उस आदमी से मिलना है। हज़रत अलैहिस्सलाम तकवीनी नबी हैं, निज़ाम कायनात को चलाने के नबी हैं, शरीयत के नबी नहीं हैं, उनसे कम दर्जे के हैं। बाज़ तो कहते हैं कि वो नबी थे ही नहीं, लेकिन ये बात सही नहीं कि किसी वली के इल्हाम पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। इल्हाम पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, वही थी जिस पर उन्होंने बच्चे को कत्ल फरमाया, कत्ल किए। या अल्लाह मैंने जाना है, अल्लाह ने कहा अच्छा चलो एक मछली ले ले और ज़्यादा रहा, जहाँ वो मछली पानी में चली जाए वहीं तेरी जगह। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ला अब्रहु हत्ता अबलुग मजमल बहरैन औ अम्दिया हुकूबा। इससे पता चला कि इल्म के हासिल करने की कोई मुद्दत नहीं है। हुकूबा का मतलब है सारी ज़िंदगी, हकब 80 साल को कहते हैं, हुकूबा कई 80 साल। तो मतलब ये था कि सारी ज़िंदगी मुझे चलना पड़ा और मैं अपने कौम की तरफ पलट के ना भी गया तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैंने उस साहिब इल्म के पास पहुंचना है। तो अल्लाह ने कहा था कि वहाँ जहाँ मछली चली जाए ना पानी में, वहाँ तेरा रास्ता है। जब वहाँ पहुँचे तो आँख लग गई और यूशा जाग रहे थे, तो उन्होंने वज़ू किया तो पानी के कतरे मछली पर पड़े तो वह फड़की, भुनी हुई थी, समंदर में या दरिया में जो भी था उसमें घुस गई और वो रास्ता बन गया।
पानी फट गया और एक खुश्क रास्ता बनते 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 वो आगे एक जजीरा सा था वहाँ पहुँच गए। तो फलम मजावजा, जब वो आगे चले गए, 24 घंटे आगे चले गए थे, एक दिन एक रात, قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا, ये नसबा बताता है कि ये थकने का सफ़र है, तुम सहूलतें ढूंढते हो, शिकायतें होती हैं, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, नसबा बता रहा है कि ये थकने का सफ़र है। ये हमें रायण में हमारे उस्तादों ने थका के दिखाया, हमारे धुएं निकाल दिया, तुम एक दिन वल्लाह वैसा नहीं गुजार सकते हो, सारे भाग जाओगे, शेख रमजी का इल्म यहीं रह जाएगा सब भाग जाओगे। इतनी मशक्कत देखी रावण में जिसकी इंतहा कोई। अब मैं सोचता हूँ मैं ख्वाब में था जो मैं इतना कुछ बर्दाश्त कर गया। नसबा बताता है जो अपने आप को थकाएगा ना वो पाएगा, जो सहूलतों से चलेगा वो पा भी नहीं सकेगा, पाएगा तो अधूरा पाएगा, और नीम मुल्ला खतरा जान बन जाता, खतरा ईमान बन जाता है, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो वो कहने लगे رأيت إذ أبينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني هو إلا الشيطان واتخذ سبيله في البحر عجبا, वो तो मुझे अब याद आया, वो तो वहीं जहाँ हम सोए थे आप, मैं जाग रहा था, तो वो फड़की निकली और समंदर में अजीब तरह रास्ता बना के चली गई। قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا, कोई नहीं डांटा, मलामत नहीं की, अरे भाई वहीं तो हमारी मंजिल थी, 24 घंटे फिर वापस आए, 24 घंटे पहले भूख लगी, ठीक जहन में रखना, 24 घंटे बाद वापस आए, 24 घंटे वापस भी ले गए। فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما, ये दुआ मैं कोई 30 साल से मांग रहा हूँ कि मेरे पास अब हिम्मत, मुझे मेरी हिम्मत नहीं कि मैं मुताला कर सकूँ, पहले तबलीग के सफ़रों ने थका दिया, फिर लोगों की मुलाकातों ने जब हिम्मत ही थका दिया, जब तक मैं मशहूर नहीं था मैं सोचा था क्या मुताले के बग़ैर भी कोई दिन गुजर सकता है इंसान का, ऐसे मैं पागल था किताब के लिए, जो कुछ मेरे पास चंद कौड़ियाँ हैं, ये पुरानी कौड़ियाँ हैं, वो जो असाब कहफ़ के पास थी ना वो लेकर गए थे बाजार, मेरे पास नया कुछ नहीं है, पढ़ा ही नहीं जाता, अभी भी लेटे लेटे ये मज़मून ज़हन में आया तो आपसे आके बात शुरू कर। तो आगे एक शख्स था जिसको हमने अपने ख़जानों से इल्म दिया था, इंदी और लदैया, इंदी ये इंदी है, इंदी क़ुरआन मेरी मिल्क में है, मेरे हाथ में नहीं, लदैया अमामा ये मेरे कब्ज़े में है, लदैया ऐसे चीज़ के लिए बोला जाता है, इंदा इसके लिए बोला जाता है कि आपके कब्ज़े में है, आपके हाथ में नहीं, लदैया आपके कब्ज़े में है। तो मैंने इंदना और मिल्लतुन्ना रहमतन और मिल्लतुन्ना इल्मन, तो मैं रोज़ ये दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह एक रास्ता तो अभी बाकी है कि तू आप ही दे दे मेहरबानी करके। एक हमारे साथी थे रायमंड में, फौत हो गए, कहते होते थे या अल्लाह खाते खाते सोते सोते पीते पीते खुशी खुशी हंसी हंसी हिदायत दे दे। तो मैं भी अल्लाह से ही आजकल मांगता हूँ, खाते खाते सोते सोते पीते पीते इल्म दे दे, तेरे लिए तो आखिरी सांस तक मांगना है, मिले ना मिले तो ये तो उसकी मर्ज़ी है, मांगना तो मेरे ज़िम्मे, फ़कीर हूँ मैंने मांगना है। तो आगे वो ऐसे चादर लेकर लेटे हुए थे, सर पे चादर थी, तो उन्होंने कहा अस्सलामु अलैक, तो उन्होंने जवाब देने की बजाय बड़े तनक के कहा, यानी बड़े तुंद में, अन्ना बे अर्द का सलाम, ये तुझे सलाम करने यहाँ कौन आ गया,
चादर भी नहीं उतारी सर से। इल्म के सफ़र में तालिब इल्म जो होता है वो जलील होता है और उस्ताद जो होता है वो मुअज़्ज़ज़ होता है। तबलीग के सफ़र में दाई जलील होता है और मदऊ मुअज़्ज़ज़ होता है। मैं कितनों के शराबियों के पैर पकड़े, कितनों के घुटने पकड़े, कितनों के आगे हाथ जोड़े, मिन्नतें की, तो उन्होंने कहा मैं मूसा हूँ। कब कौन मूसा? कब बनी इसराइल वाला? कहा फिर ऐसे चेहरे से कपड़ा उतार, ना पानी पूछा ना रोटी पूछी, मुसाफिर हैं आओ भाई बैठो, कुछ खाओगे कुछ पियोगे? कुछ नहीं। और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी नहीं कहा जी भूख बड़ी लगी है थोड़ा जी रोटी तो खवा दो, पहले नाश्ता कर ले फिर सबक पढ़ेंगे। हैं उन्होंने भी अपना मुद्दा रखा, हलत तबियो का हलाम तो अल्लमने मिम्मा उल्लम तरुशदा हल, कितनी तवाज़ो का लफ्ज़ है। वो कहते मैं मूसा बनी इसराइल हूँ, मैं साहिब तौरात हूँ, तो खजर साहिब तकवीन है, ला जो तेरे पास है मुझे दे। हल क्या आज सुभान हल अत्तबियोक अत्तबियोक, आपकी गुलामी इख्तियार कर लो। अल्लाह तो अल्लम ने या को भी मिटा दिया, अपनी हस्ती को मिटा दिया, मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलू गुलसार होता है। अला अन तो अल्लमने, तो अल्लमने भी तो कह सकते थे, तो अल्लमने मिम्मा उल्लम तो रुश्द, जो अल्लाह ने आपको इल्म दिया है थोड़ा सा मुझे मिल जाएगा, मैं आपके पीछे चल सकता हूँ, आपकी शागिर्दी में आ सकता हूँ, दाखला मिल सकता है। तो उन्होंने कहा इन कलन तस्तती आमा या सबरा, ऐसी ठोक के लगाई एक इन्ना और एक लन, इन कलन तस्तती आमा या सबरा, फिर एक और ज़र्ब लगाई वकई फतस बिरवाना मालम तो हत बेही खुबरा, इतनी शिद्दत और आगे उनकी उतनी ही तवाज़ो, सत्तजलनी इंशा अल्लाह साबिरन वला आसी लका अमरा, छोटी से छोटी बात में भी आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा, लेकिन एक मेहरबानी करो मुझे दाखला दे दो। ये जो मदरसे वाले शर्तें रखते हैं ना, यहाँ से साबित होना शुरू हो गई कि फैन तबातनी फला तसलियन शैन का मैन जिक्रा, वो कहते हैं जी मुझे दाखला दे दो, वो कहते हैं तू पढ़ने के काबिल ही नहीं। मूसा उन्हें भी पता है मूसा बरुन इसराइल साहिब शरीयत कलीमुल्ला खदर नबी हैं, कोई ऐसे वैसे तो नहीं कि वो मूसा को जानते ना हो। तो वो कहते हैं जी मैं बिल्कुल आपकी फर्मा बरदारी करूँ, सतजिदुनी इंशा अल्लाह साबिरा, फिर उसको ताकीद के साथ साबिरन को और ज़्यादा मजबूत किया, वला आसी लक अमरा, नकरा जब नफी के नीचे आता है तो क्या हो जाता है, तो भी हर गल में मन नहीं है, कोई भी नहीं छड़नी, मैं तुसी नाल ले लो। कहने के फिर आ जाओ, पूछना कुछ नहीं। अब ना मूसा अलैहिस्सलाम कहते हुजूर मैं 24 घंटे का भूखा हूं, 48 घंटे का भूखा हूं, मेहरबानी करके पहले कोई रोटी तो खिलाओ, कोई लंगर में से तंदूर बुलवाओ, कुछ नहीं पूछ और लेके चल पड़े। ना उन्होंने पूछा, इल्म एक मशक्क़त का रास्ता है, जो इसको बर्दाश्त कर लेता है वो इस रास्ते की इज्जत पाता है, और जो रास्ते ढूंढता रहता है फिर वो अपने नफ्स का गुलाम ही रह जाता है, वो कोई मकाम और मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता।
तो मूसा अलैहिस्सलाम बिला चूनो चरा ये भी नहीं कहा कि मेरे मैंने भूख बड़ी लगी मैं थोड़ा कुछ खा लवा पी लवा। फन तलका तुर पे हम क्या करते हैं, फन जला सा हम आप लोगों को बिठा देते हैं, कितना फर्क है। फन जला सू वो सात उस्ताद भी बैठ गए, कादू वो किताबें खुल गईं। नबी मेरे नबी ने कितनों को पढ़ाया, कोई किताब भी सामने कोई नहीं, हत्ता के कुरान भी सामने कोई नहीं। 100 साल के बाद किताब लिखी गई, सारा इल्म बगैर किताब के जब था तो सबसे मजबूत था। सबसे मजबूत इल्म का दौर वो है जिसमें किताब नहीं थी। पहली किताब इमाम जोहरी ने लिखी उमर बिन अब्दुल अजीज के कहने पर रहमतुल्लाह, 100वीं सदी में। तो हम करते हैं फन जला सा, भाई इसको कमरा दो भाई, फला कमरे में इसका बिस्तर लगाओ भाई, और वो कहते हैं फन तलका। पानी बहता रहे तो पाक रहता है और उसमें जाने वाले को भी पाक कर देता है, खड़ा रहे तो खुद भी बदबूदार हो जाता है, जाने वाले को भी नापाक कर देता है। हत्ता इज़ा रकिबा फिस सफीनति खरक़हा, जब वो कश्ती में सवार हुए तो मल्लाह ने पैसे नहीं लिए, जानता था खजर इकराम किया। जब कश्ती दरमियान में पहुंची तो उन्होंने एक तख्ता तोड़ दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए अपनी शर्त, तो उनको ख्याल आया कि उस पैसे नहीं ले, ये फट्टा तोड़ के बैठो यार। उनको ख्याल आया कि इस कश्ती वाले तो साढ़े कुल पैसे नहीं ले, तो इन्हें चुप करके फट्टा तोड़ देता है, तो नेकी का बदला बदी ना तो अखरखता है ये तो गरी का अहला लकद जी तशे अन इमरा। पहला मूसा खजर का जुमला क्या था, इन्नका लन तस्ततीअ मअ सबरा, ठीक है। अब खजर अलैहिस्सलाम के लहजे में शिद्दत आ गई, अलम अकुल इन्नका लन तस्ततीअ मअ सबरा, अलम अकुल का लफ्ज़ का इजाफा माने का इजाफे की तरफ इशारा करता है, तेन आख्या ना तू सब्र नहीं कर सकना, ये लहजा था। उस्ताद जी मैं भूल गया, ला तो आखिरनी बिमा नसीत बोला तो रहक नहीं मैं ना मरी उसरा, ला तो आखिरनी मूसा कह रहे हैं ला तो आखिरनी, और मेरे लिए कोई नरमी फरमा, अच्छा ठीक है हम नहीं बोलना का ठीक है। फन तला हत्ता इज़ा लकिया गुलामन फ़क़तलहु, अब मूसा अलैहिस्सलाम को याद था कि मैंने बोलना नहीं, लेकिन एक बच्चे को खज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया, तो अब उनको अपनी शरीयत याद आ गई, शरीयत में कत्ल हराम है, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ज़रा उछल के बोले, अक़तलता नफ्सन बग़ैर नफ्सन लक़द जीत शैअन नुकरा, ये क्या किया, बेकसूर की जान ले ली। तो खज़र अलैहिस्सलाम की शिद्दत और बढ़ गई, इन्नका लन तस्ततीअ मअ सबरा, ये पहली डांट है, अलम अकुल इन्नका लन तस्ततीअ मअ सबरा, अब है अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततीअ मअ सबरा, तेन आख्या ना आई, तेन आख्या ना आई, तू सबर नहीं कर सकेगा। आगे मूसा अलैहिस्सलाम की आजजी देखो, इन सअलतुका अन शैइन बादहा फला तुसाहिब कद बलगत मिन लदुन्नी उज़्रा। नमाज इश्क में सब कुछ भुलाए बैठा हूं, तमाम दाद ते दुनिया लुटाए बैठा हूं, अगर कोई करता है मुझ पे गिला तो करता रहे, मैं अपने आप को काफी। अच्छा जी उस्ताद जी,
मैं मदरसे की शर्तें पूरी नहीं कर सका, तो अब अगर कोई गड़बड़ करो तो मुझे निकाल देना। तुम्हारे उस्ताद किसी को निकालें तो इस किस्से में मौजूद है गुंजाइश। फन तलाका, फिर टुर पे। कब भूख लगी थी? जब लकद लकीना मिन सफर ना हादा ना सफा, वहाँ से भूखे वापस भूखे आए। आगे ये सफ़र कितनी देर था ये तो कहीं किसी ने बताया नहीं, लेकिन बहरहाल काफ़ी मराहल से गुजरे हैं। तो बस्ती वालों से रोटी मांगी, उन्होंने दी नहीं। कोई बखीलों का की बस्ती होगी। तो जब वो बाहर निकले तो एक दीवार ऐसी हो गई थी, खदर अलैहिस्सलाम ने ऐसे हाथ मारा वो सीधी हो गई। ऐसा नहीं कि गारा और ईंटें इकट्ठी करके दीवार को चुना, तो जाते जाते को ऐसे हाथ मारा वो सीधी हो गई। अब फिर न रह सके, लौशीत अलतः अजरा, उन्हें रोटी नहीं खवाई तू कदा ठीक कर। उन्होंने हमें रोटी नहीं खिलाई तो उनकी दीवारें ठीक करता है। कहा वा फिराक बैनी व बैनी, मूसा तेरी मेरी राहें जुदा हो गई। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया काश मूसा अलैहिस्सलाम ये ना कहते फला तो साहिब नहीं, तो हमें और अल्लाह के छुपे हुए राज मालूम हो जाते। तो फिर उन्होंने अब बताना शुरू किया कि कश्ती मिस्कीनों की थी। आगे एक बादशाह सही कश्तियां पकड़ रहा था, मैंने उसमें ऐप डाल दिया ताकि उन गरीबों की रोज़ी चलती रहे। फ़कीर कहते हैं जिसके पास एक दिन की रोटी हो, मिस्कीन उसे कहते हैं जिसके पास एक लुकमा भी ना हो, सकंद से है ठहर जाना, जिसकी ज़िंदगी ठहर गई हो और हर नेमत से मारूम हो गया। तो मसाकीन थे, फ़कीर नहीं कहा मसाकीन का। तो मैंने तोड़ दी ताकि इनकी कश्ती बच जाए। जो ग़ुलाम था तो अल्लाह ताला ने उसके वालदैन के लिए ये चाहा कि इनको एक और अच्छी नस्ल दे, ये बच्चा आगे चल के उनके साथ उनके लिए बुराई का तुग़यान व कुफ़्रा का सबब बन सकता था। तो देखो, जब कश्ती को तोड़ा तो कहा अरत तो अन अईबहा, कश्ती तोड़ना एक नामुनासिब बात थी तो उसको अपनी तरफ मंसूब किया। और जब उस बच्चे के बदले में नई औलाद का जिक्र किया तो अल्लाह की तरफ जिक्र किया फ़रदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रब रहमा। अल्लाह की तरफ शर की नस्बत नहीं हो सकती, खैर की नस्बत अल्लाह की तरफ। और बाकी रह गई दीवार तो उसके नीचे यतीमों का ख़जाना था, उनके अबू हुमा सालिया, आपके शेख कर कानस अलजद्द साबे, हाँ इब्न अब्बास फरमाते हैं कि वो जद्द साबे सातवां दादा था जिसने ख़जाना उसमें छुपाया था। और इन यतीम बच्चों के लिए माँ बाप की नेकी कैसे काम आती है, माँ बाप की जायदाद कभी काम आती कभी नहीं काम आती, नेकी काम आती है। तो मैंने इसलिए सीधा कर दिया कि जब बड़े होंगे तो उसमें से नाम ले लेंगे। तो फिर इस पर आगे कहा तुम्हारे शेख की बरकत से 30 साल पुरानी हदीस याद है। एक लफ्ज इन्होंने बोला और एकदम खिड़की खुल गई। तो अब इसमें देखो, सअनब्बिउका बितअवील मा लम तस्ततिअ अलैहि सबरा, अब नरमी आनी शुरू हुई है। तस्ततिअ तस्ततिअ, एक हर्फ घट गया। अब चूंकि जुदाई हो रही है तो अब उनके एहतराम के साथ
और उनकी मोहब्बत के साथ पहले लन तस्ततीअ और अब क्या है बेमा लम तस्ततीअ या हटा दी, लफ्ज को नरम कर दिया, काम को थोड़ा ठंडा कर दिया। और जब बात ख़त्म करने लगे तो कहा ज़ालिका तावील मालम तस तैर, ताबी हटा दी और नरम कर दिया। इसलिए जाते हुए बच्चों को जो फारिग हो रहे हों उस्तादों को चाहिए कि मोहब्बत से रुख्सत करें और उनको अच्छी नसीहतों से रुख्सत करें, उनका इकराम करके रोटी छोटी खवा कर रुख्सत करें। ख़ज़ल अलैहिस्सलाम ने रोटी तो नहीं खवाई, लफ्ज़ों में खुश कर दिया, पहले इन्नक लन तस्ततीअ, अलम अकुल इन्नक लन तस्ततीअ, अलम अकुल लक इन्नक लन तस्ततीअ, फिर आ गए सअनब्बुका बितावील मा लम तस्ततीअ, फिर ज़ालिका तावील मा लम तस्ततीअ। ऐसी थोड़ा आगे उसमें आता है याजूज माजूज के किस्से में कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा फमस्ताउ अन यज़हरूहु वमस्ततऊ लहू नक़्बा, फमस्ताउ थोड़ा ज़ोर लगाएं, फमस्ततऊ चाहे ज़्यादा ज़ोर लगाएं, इस दीवार को पार नहीं कर सकते। तो देखो मूसा अलैहिस्सलाम जैसे बड़े नबी और रसूल और कलीम, जब जिससे सीखना था उसकी शरायत को पूरा नहीं किया तो वो इल्म नहीं मिला जो वो लेना चाहते थे। तो इससे पता चलता है कि इल्म का सफ़र एक नज़्म व ज़ब्त का इल्म है, का सफ़र है। ये ऐसे शोर व शराबा नहीं, ये कोई हंगामा नहीं है, बल्कि इसको एक नज़म के साथ अल्लाह ने पिरोया है। उसकी आप पैरवी करोगे तो आपका बढ़ता रहेगा। हमने तो 6 साल कर दिए हैं लेकिन 6 साल इल्म की उम्र नहीं है, आखिरी लम्हे तक सीखते रहो, पढ़ते रहो और बड़े उलमा से जोड़ रखो, अपने उस्तादों से जोड़ रखो ताकि तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अल्लाह तुम्हें सलीका दे कि कुरान से तुम खुद अखज़ कर सको। 700 साल पुरानी तफसीरें हैं, जो तर्जमे हैं कुरान के वो भी पुरानी तफसीरों से लेकर उर्दू में कर दिए हैं। तो बड़े अकाबर उलमा हैं, वही पढ़ो लेकिन ख़ुद भी सोचो। मैं कोई तफसीर देखता हूँ, ये जितना मैंने आपको बताया कोई पढ़ के तो नहीं बताया, तो वैसे लेटे लेटे वहाँ मैं सोच रहा था बच्चों से क्या बात करूँ तो ये मज़मून ज़हन में आया है। तो इस तरह आप कुरान आपकी नज़रों में खूबसूरत हो जाए। दूसरी बात जो मैं आखिर में मुख्तसर कहना चाहता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम का जो दावत का सफ़र है वो लंबा है और वहाँ उनको